ओ भाई निकलेंगे घर के लिए। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं निकला अभी फैस के स्कूल के लिए, क्योंकि आज भी उसका एग्जाम है। ठीक है, तो वहीं से जाना है घर, वहाँ पे सफाई करनी है क्योंकि एक दो दिन के बाद हमें वहीं पर शिफ्ट होना है बड़गाम में ही। ठीक है, तो देखते हैं आज दिन का क्या सीन रहेगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब नल देरी किया करता है आज को लाख शुरू। गाइस आज ना फैसू ने नया बैग लिया स्कूल के लिए, बोल रहा है मैं वहाँ पे सब फ्रेंड्स को दिखाऊंगा अपना बैग। फैसू किसको दिखाना है वहाँ पे? फ्रेंड्स को। अच्छा जी, चलो सुबह से ही घूम रहा है मोहल्ले में ऐसे बैग लेके। चलो आ जाओ लेट हुआ। चले गाइस फाइनली निकल चुके हम फैसू के स्कूल के लिए। गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर और फैसू को भी स्कूल छोड़ दिया। अभी जाता हूं मैं बाहर रोटी लाने के लिए, पहले पियेंगे चाय उसके बाद करेंगे सफाई का काम शुरू। ठीक है ना, थोड़ा सा दूर है मार्केट इसलिए गाड़ी में जाता हूं लाने के लिए। ठीक है, ये देखिए रोटी लाई मैंने, अभी जाते हैं वापस घर। तो गाइस मैं आया अभी पहले बड़गाम साइड से, यहाँ से दिखाऊंगा आपको कि रेलवे स्टेशन का मेन रोड कौन सा है। ये देखिए गाइस यहाँ से हमको राइट साइड से जाना है, पहुंचेंगे मेन रेलवे स्टेशन रोड पे। ये देखिए यहाँ से जाना है हमको रेलवे स्टेशन बड़गाम। देखिए गाइस यहाँ से एक छोटी सी नदी जाती है जहाँ पे मैं बाइक ये सब धोता था। ये देखिए गाइस यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है रेलवे के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है यहाँ से। ये दोनों साइड से खेत है यहाँ, उस साइड भी। अब मैं यहीं से घर वापस जाऊँगा, उधर से मेन रोड से आया था, यहाँ से मैं शॉर्टकट से जाऊँगा वापस। तो गाइस ये रहा बड़गाम रेलवे स्टेशन, लेकिन हम यहाँ से राइट साइड से जाएंगे। यहाँ से रोड थोड़ा ख़राब भी है लेकिन यहाँ से हमको शॉर्टकट होगा, लेफ्ट साइड से पूरा रेलवे स्टेशन है। ये पहुँचा मैं अब मेन रोड पे। ये ब्रिज है बड़गाम ब्रिज, और ये रहा रेलवे स्टेशन बड़गाम का, नीचे से ट्रेन जाती है। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, अभी पीते पहले चाय उसके बाद करते हैं सफाई का काम शुरू। तो गाइस ये आ गई मेरी चाय और ये रोटी, इसमें बटर मली ऊपर से, अभी पीते पहले चाय उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली चाय पी ली मैंने, अभी करते हैं सफाई का काम शुरू। देखिए यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है किचन में, यहाँ पे करेंगे पहले सफाई। गाइस किचन का सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया, बर्तन ये सब। ठीक है, अब करते हैं किचन में सफाई। थोड़ा सा काम कर लिया मैंने, लेकिन फैसू के स्कूल से छुट्टी होने का टाइम आ गया, अभी लाते पहले फैसू को उसके बाद और काम करते हैं। ठीक है, चले जी गाइस निकले हम फैसू को लाने के लिए स्कूल से। तो गाइस अभी भी फैसू की छुट्टी नहीं हो चुकी है स्कूल से, कभी कभी लेट हो जाता है इनको छुट्टी करने में क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं ना इसीलिए। तो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे उसका वेट, वो आएगा उसके बाद जाएंगे वापस घर। जी फाइनली आ चुका है फैसू। फैसू कैसा हुआ पेपर? करो दरवाजा बंद, चलो। अच्छा हुआ, आज किसमें एग्जाम था? मैथ। ये उधर से आके ना पूरा थक चुका होता है। मुझे सब बैग को देख रहे थे। सब बैग को देख रहे थे? हाँ, आज अपने नया बैग लिया ना साथ, इसीलिए सब देख रहे थे। तो गाइस फाइनली आ चुके हम घर, यार मेरी ना हालत खराब हो चुकी है फैसू का वेट करते करते गर्मी में। आज ना बहुत ज्यादा गर्मी है कश्मीर में। क्या किया फैसू, दरवाजा ही बंद किया है? ये देखो गाइस ने क्या किया, यहाँ से वो स्टिक्स लगाए है टेंट के। कहाँ से आ रहा है ये ना, वो टेंट है ना इसका, उसी की स्टिक्स है। मुझे कहा इसने दरवाजा ही बंद किया है। मैं जाऊंगा ना नीचे से, घर क्यों नहीं जाने दोगे वापस? मैं नीचे से भी बंद रखूंगा। आप कहाँ है, आपके पास स्टिक्स? ये छोटे वाली स्टिक है, वाले एक। कौन सी, ये वाली? ये जो टूटी है ये वाली स्टिक। मैं ऊपर से नहीं आ सकता? आप नहीं आ सकते ऊपर से? नहीं आ सकते, गिर जाओगे, गिर जाओगे। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ गए। हाँ स्टिक्स तोड़ के। तो गाइस किचन की हो गई सफाई, अब रख रहे हैं सामान यहाँ पे वापस है जो वहाँ पे लिया था, बर्तन ये सब। चलिए जी फाइनली किचन की सफाई हो गई, अभी बाकी रूम को कल करते हैं। तो गाइस अभी जाते हैं फटाफट से घर क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बाकी रूम्स की कल सफाई करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे सीधे घर में।
यहाँ पे करवाए पहले टायर्स का हवा चेक, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। ये देखो गाइस मेरी ड्रीम बाइक हिमालयन। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर। यार मेरी ड्रीम बाइक, मैं तो उसको देखते ही रह गया जब मैंने उसको देखा यार। चलिए कोई नहीं, लाएंगे एक ना एक दिन। आयान क्या करे वहाँ से? हम ट्यूशन से खेलने आए थे। ट्यूशन? अच्छा वो हाय द ट्यूशन बोल रहे हो? वन टच खेलोगे? क्या वन टच क्या हुआ? इसमें एक बार टच देना होता है, अगर किसी ने दो बार टच दिया ना हाँ उसको ये बीच में रहना होता है, उसको फिर बॉल नहीं देनी। अच्छा चलो फिर खेलते हैं। चलो। अच्छा टच एक ही होना चाहिए बॉल को, हाँ दो टच हुए वो आउट हो जाएगा। सही है ब्रो। मेरी तरफ ही क्यों दे रहा है? एक ही नहीं, मैं आउट ऐसे मजा ही आता। आउट है? अच्छा ये खुद ही आउट हुआ? हाँ। जाओ आप उस साइड। चलो जी अब क्या करना है, इसको बीच में रोकना है। हाँ करना है क्या है मुझे बोलो? आप बीच में रहोगे फिर हाँ तुम आउट हो जाओगे। अच्छा अगर इसका टच हो जाएगा फिर आउट। ओके और अगर बीच में से बॉल निकली ना हाँ एक और बार है। अच्छा चलो फिर सही है। चलो जी सही है ब्रो आउट। अच्छा ये वाला सीन है। मुझे कहाँ पता है। हाँ टच है, फर्स्ट एंड लास्ट टच। इसके बाद जाऊँगा मैं खाने खाने के लिए, ठीक है? आराम से गाइस आया मैं फाइनली घर। भी पहले कुछ खाते यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो गाइस अभी हम निकले आयान और आयान का फ्रेंड उमेश, हम निकले अभी पतंग लाने के लिए। यहीं पे देखते कि पास नहीं मिलती है, ढूंढते जाके, ठीक है? चले जी फाइनली मिल चुकी है हमें पतंग, अब जाते घर उड़ाएंगे पतंग। फाइनली मिल चुकी है हमें पतंग। अगर आपको याद होगा हम दिल्ली में भी ढूंढ रहे थे पतंग मिल जाए कहीं पे, लेकिन आज फाइनली इतने महीनों के बाद मिल गई। चले उड़ाते हैं पतंग, देखते हैं उड़ेगी या नहीं। आज बचपन से लेके आज उड़ानी है, देखते हैं। इसको ना अभी धागे से वो करना पड़ेगा, गांठ की क्या बोलते हैं उसको, वही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बचपन में करते थे, अभी याद भी नहीं है कैसे करना है। शायद यहाँ से लेने खींचो उधर से थोड़ा, इसको पकड़ो ना इस वाले को। हाँ कहाँ से आया? तो यहाँ पे हाँ यहीं पे ठीक है ना? नहीं ऐसे इसको चार करने होते हैं, वही ना इधर से लेके इधर वहाँ पर चार फोड़ करने पड़ते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ। अरे नहीं एक ही काफ़ी है, अरे दो फोड़ ठीक है। गाइस फाइनली हमारी पतंग हो चुकी है रेडी, अभी देखते उड़ेगी या नहीं। और अब मून देखिए कितना अच्छा है, अभी वो गांठ है ना वो भी पता नहीं ठीक से हुई या नहीं, देखना पड़ेगा ठीक है। हवा ही नहीं है अभी। ओ गाइस इसका सर कटने वाला था। वो जो कागज की होती है ना वो इजीली उड़ती है, पेपर की? हाँ पेपर की जो होती है वो। गाइस किसी पतंग को ना वो हवा होना चाहिए तेज, तब जाके उड़ती है वाली। पेपर की इजीली उड़ती है, मेरे को नहीं आएगी उड़ानी। चलो वन उड़ गई थोड़ी सी थोड़ी सी। चलो इतना काफी है उड़ाना। चलो जी कट गई पतंगा। ये था हमारा गांव। गाइस ये वाली जो पतंग है ना जो पॉलिथीन की बनती है ये इजीली नहीं उड़ती है, इसको ना तेज हवा होना चाहिए। और जो कागज की होती है वो इजीली उड़ती है, वो मेरे को आती है उड़ानी, ये वाली मैंने कभी नहीं उड़ाई है। ये देखो पत्थर मार रहे पानी में, इनको मजा आ रहा है पत्थर फेंकने में, हमें भी आता था अपने टाइम।
जी अब उमेश करेगा ट्राई, ये दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ मिल रहेगा वहाँ पे ये भी फेल है। अब तीसरा तरीका, अब चढ़ेगा यामिन ऊपर उमेश नीचे, यहाँ से उड़ाएंगे पतंग। चलो जी ये भी ट्राई करते हैं, 1 2 3 गो। नाइस 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 उमेश, यू कैन डू इट उमेश, अब कल सुबह तक ही करते रहो, एक ना एक दिन जरूर उड़ेगी। देखो गाइस हैदर ने क्या लाया है, कपड़े जल जाएंगे। ये कुछ जरा इधर का, ये ना कुछ ब्रेसलेट है, ठीक है, इसमें चिंगारियाँ उठती है, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जी, और ये जोड़ना पड़ता है और उठती है चिंगारी। ज़रा मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओ भाई ये कहाँ से लाया, फ्लिपकार्ट से। सच में? सच में। कितने का? 300 का, इसको विसल भी है। ओ भाई साहब, हम मौज कर दी हैदर, वाह बेटे वाह। गाइज मैं ना अचानक से बीमार पड़ गया, पता नहीं क्या हुआ यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी मैं जाता हूँ यही पास में दवाई लाने के लिए, ठीक है। देखिए गाइज मैं अकेला ही निकला दवाई लाने के लिए, और ये देखिए सड़कें खाली है, कोई चल भी नहीं रहा, इतनी रात हो चुकी है। चलिए कोई नहीं, जाते हैं अभी। तो गाइज दवाई लाई मैंने, अभी मैं करता हूँ वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की, रात भी बहुत हो चुकी है, उसके बाद लगाता हूँ वीडियो अपलोड पे और करता हूँ थोड़ा सा रेस्ट, और इसके साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।